नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सेंटर पे संत नारायणपुरी महाराज जी पहुँचे हैं और आज उनका ये 10वां दिन है हमारे यहाँ से फिजियोथेरेपी करवाते हुए। दोस्तों, जिस दिन वो आए थे पहले दिन, तो उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, उनसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा था, या यूँ कहें कि चलने में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी क्योंकि घुटनों में दर्द था। तो दोस्तों, हमारी फिजियोथेरेपी का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीके से हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जिसका रिजल्ट किस तरीके का आता है वो संत नारायणपुरी महाराज जी आपको अपने मुंह से ही बताएंगे कि रिजल्ट कैसा रहा है। लेकिन अभी मेरे जूनियर गगनदीप उनके घुटनों पर लगा हुआ वैक्स साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए महाराज जी की जुबानी। महाराज जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ अस्पताल में आते हुए? यहाँ जहाँ रहते हैं? हाँ जी, यहाँ अस्पताल में महाराज जी जहाँ इलाज करवा रहे हैं। यहाँ 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए जी। हाँ जी। तो महाराज जी, इस दिन आए थे उस दिन कैसे थे घुटने और आज कैसे हैं? नहीं, काफी फर्क है हमारा। बड़ी आराम। हाँ, बड़ी आरामदारी होगी। अच्छा, तो हमारी सेवाएं कैसे लगी महाराज? ना, बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं, बड़ा बड़ा प्रेम से देखते हो, बड़ा बुद्धि लगा के मरीज मन में ऐसी भावना रखते हो, वे इसको ठीक करके भेजे, ईश्वर की ऐसी दया हो। महाराज जी आशीर्वाद देके जाओ जी। नहीं, ठीक है, सेवा करते। ठीक है, जय नारायण। ठीक है, जय।